गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी ए फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था वृद्धि विकास विषय के अंतर्गत आज हम देखेंगे वंचित वर्ग के अंदर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बालकों की समस्या। यानी कि हम अब तक वंचित वर्ग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति और घुमंतू परिवार आदि के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बालकों की क्या तो समस्याएं हैं, उनके लिए क्या समाधान संभव है या किए जा रहे हैं, संभव है नहीं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बालक, यानी कि ये जिसको कि हम स्लम एरियाज भी कह सकते हैं, या ये कहा जाए कि जहाँ पर बहुत घनी आबादी के छोटे 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 टुकड़ों के ऊपर बाल अपने एक स्थायी निवास बनाकर ये लोग निवास करते हैं, तो निश्चित है कि इनके निवास स्थायी होते हैं। क्योंकि वो स्थायी नहीं होते हैं क्योंकि वो लीगली नहीं होते हैं, इसलिए ये स्थान ये स्थायी निवास जो है इनके वो भी स्थायी नहीं होते हैं। निश्चित है ऐसे जो एक कहना चाहिए कि बड़े विकट माहौल के अंदर, एक बहुत विचित्र से माहौल के अंदर जब बालक रहता है, तो निश्चित है कि उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है। तो उसमें जो समस्याएं हैं, सबसे पहला है उचित वातावरण का अभाव। क्योंकि यहाँ पर उचित वातावरण के अभाव में दोनों तीनों बातें सम्मिलित होती है। पहला तो माता पिता, चूंकि इसमें अशिक्षित माता पिता होते हैं, उनको शिक्षा, उनकी शिक्षा नहीं होती है, वो शिक्षित नहीं होते, इसलिए वो शिक्षा का महत्व को नहीं जानते हैं, तो वो एक बालक के लिए उचित वातावरण निर्मित करने में असमर्थ रहते हैं। जैसे कि बालक पढ़ रहा है और माता पिता को कोई काम याद आएगा तो कि जा तुम इस काम को कर लो, उनको ये चीज़ नहीं पता कि जब वो बालक पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने दिया जाए, उसमें कंसंट्रेशन एकाग्रचित्ता की बहुत आवश्यकता है। जब बालक पढ़ रहा है और जिस समय इच्छा होती है, क्योंकि बालक तभी सीख पाता है जब उसका मन हो, इच्छा हो, तभी वो किसी चीज़ को ग्रहण कर पाता है। ऐसे में जब बालक का मन है उस समय पढ़ रहा है, उसको किसी काम के लिए उठा दिया जाए, या यूँ कहा जाए कि झुग्गी झोपड़ियों में चूँकि घर बहुत पास पास में होते हैं, मतलब एक घर की आवाज़ दूसरे घर में बहुत सहजता से सुनी जा सकती हैं, तो ऐसे में कई बार अन्य परिवारों के जो पारिवारिक कलह हैं उसका प्रभाव बालकों के ऊपर पड़ता है। आसपास में कहीं टीवी लग रहा है, कहीं खेल कूद हो रही है, बातचीत हो रही है, शोर शराबा हो रहा है, तो वो घरों में उनको बहुत आसानी से सुनाई देता है। तो ऐसे में एक जो शांत वातावरण की आवश्यकता होती है वो इन बालकों को प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए उचित वातावरण का अभाव इन लोगों में देखा। इन लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो उचित वातावरण के अभाव की। माता पिता अशिक्षित होते हैं इसीलिए वो एक वातावरण निर्मित नहीं कर पाते। उसके बाद है प्रेरणा का अभाव कि बालक जरा सा भी कुछ अच्छा करता है तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बालक को मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो चीज़ संभव नहीं है क्योंकि उन्हें बालक ने क्या अचीव किया है, क्या अच्छा किया है, उसका अनुभव उन्हें नहीं होता है और वो बालक को प्रेरित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इन बालकों में प्रेरणा का अभाव होता है। और जब तक प्रेरणा नहीं मिलती है, जब तक मोटिवेशन नहीं मिलता है, तब तक बालक प्रयास नहीं करता है। ये यूँ कहा जाए कि प्रयास के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है, उस उत्साह में वृद्धि नहीं हो पाती। उसके बाद में शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान संभव नहीं होता है क्योंकि माता पिता अशिक्षित होते हैं। घर में अगर बालक पढ़ रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या उसको आ रही है, तो उसका समाधान अभिभावकों के द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो अशिक्षित है। अशिक्षित है तो उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए वो बालक की समस्या का हल नहीं कर पाते हैं। तो जो घर समस्या बालक की रह गई वो जस की तस रह गई, उसका समाधान आवश्यक नहीं है कि वो विद्यालय में जाकर कुछ भी पाए, इसीलिए उनकी जो इस स्तर पर आकर जो भी समस्याएं होती है उसका समाधान बालकों को नहीं मिल पाता है। उसके बाद में है शिक्षा संबंधी साधन जुटाने में असमर्थ। अभिभावकों को शिक्षा के महत्व का पता नहीं होता है, किन किन संसाधनों की आवश्यकता होती है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं होती है। बालक के द्वारा मांग किए जाने पर ऐसा लगता है कि किसी की देखा देख बालक मांग रहा है या किसी खर्च की बात कर रहा है, तो एक कई बार तो इस मानसिकता से वो आवश्यक संसाधन बालक को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। दूसरा, आर्थिक असक्षमताएं होती हैं जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के आवश्यक संसाधन को जुटाने में अभिभावक समर्थ नहीं हो पाते हैं, जो उनकी शिक्षा के मार्ग का बाधा बनती है या रोड़ा बनती है। फिर विद्यालयों की दूरी,
क्योंकि जहाँ पर बालक रह रहा है वहां से दिखा रहे बहुत अगर दूरी पर है तो अभिभावक बच्चों को इतना दूर भेजना पसंद नहीं करते हैं, तो बिछा रहे उनकी दूरी भी एक समस्या है। दूसरा है परिवार की आर्थिक मदद है तो बालकों को स्वयं को काम पर भेज देने का, अर्थात इन परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, अतः आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या फिर धन उपार्जन के लिए धन कमाने के लिए इन बालकों को भी, क्योंकि परिवार बड़े होते हैं ऐसे में जितना आर्थिक संसाधन इन लोगों के पास उपलब्ध होते हैं उसमें परिवार को सही ढंग से चला पाना संभव नहीं होता है, तो ऐसे में इन बालकों को भी छोटे छोटे मोटे कार्यों के लिए भेज दिया जाता है जिससे कि ये बालक परिवार के आर्थिक सहयोग प्रदान कर सके। तो ये भी शिक्षा की एक बहुत बड़ी, इनकी शिक्षा के विकास की सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। फिर बात है आवश्यक सुविधाओं का अभाव। जितनी आवश्यक सुविधाएं बालकों को मिलनी चाहिए उन आवश्यक सुविधाओं का अभाव उनके पास होता है, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर विद्यालयी दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों में उनके विद्यालय उनके बालकों के लिए जो विद्यालय स्थापित किए जाते हैं पहले तो वो दूर होते हैं और फिर इतने दूरस्थ स्थानों पर होते हैं कि शिक्षक स्वयं भी वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते, और फिर बाद में विद्यालय में शिक्षक को जबरदस्ती भेज भी दिया जाता है तो किन संसाधनों की कमी है किन की आवश्यकता है उस पर शिक्षक कोई रुचि प्रदर्शित नहीं करते हैं, अर्थात पारिवारिक दृष्टिकोण से भी और विद्यालय दृष्टिकोण से भी बहुत सारे जो कहना चाहिए कि संसाधनों की आवश्यकताएं इनकी जो सुविधाएं होती हैं उनको नहीं मिल पाती हैं जिसकी वजह से एक उचित शिक्षा के विकास के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होती है। और फिर स्थायी निवास की समस्या जो कि झुग्गी झोपड़ियों में बालक जहाँ निवास कर रहा है वे इल्लीगली होती है उनका, तो ऐसे में कई बार उन झुग्गी झोपड़ियों को क्योंकि अनाधिकृत रूप से उन जमीनों पर भी कब्जा करके रह रहे होते हैं, तो या तो जो मकान जमीन का मालिक है वो उनसे खाली कराता है या स्वयं नगर पालिका बी एम सी वगैरह हैं जो उससे खाली करा देते हैं जिससे कि उनको वहाँ से माइग्रेट होकर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, ऐसे में वो उनका स्थायी निवास नहीं होता है, ऐसे में वो अगर यहाँ से रुककर कहीं 6 किलोमीटर दूर कहीं नई जगह पर उन्होंने घर बनाया तो माता पिता 6 किलोमीटर दूर जिस विद्यालय में अब तक जा रहा था उस विद्यालय में बालक को भेजना पसंद नहीं करते, इसीलिए जो स्थायी निवास की समस्या है ये भी इनके शिक्षा में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। अब इनके लिए प्रयास शिक्षा के विकास के लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं, तो सबसे पहला तो विद्यालयों की स्थापना की जा रही है कि इनके उन एरिया में ही ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाए जहाँ पर संपूर्ण साधन सुविधाओं से युक्त हो और बालक के शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा उस पर उपस्थित ना हो। फिर स्थायी सरकार द्वारा स्थायी आवास की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि इनको एक निश्चित पट्टे देकर एक निश्चित सीमांकन करके कि यहाँ पर आपको अपना घर बनाना है, ऐसे करके उनको एक स्थायी निवास के लिए जमीन या मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिससे कि ये लोग स्थायी रूप से निवास करें और जिस जगह रह रहे हैं वहीं के आसपास विद्यालय स्थापित करके विद्यालय शिक्षा को सुचारू बनाने का प्रयास जारी है। उसके बाद में निःशुल्क शिक्षण सामग्री वितरित की जाए क्योंकि शिक्षण संसाधन जो है ये जुटा नहीं पाते हैं, ऐसे में बालक की शिक्षा बाधित होती है, तो इस बाधा को खत्म करने के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री का वितरण सरकार द्वारा सरकारी संगठनों द्वारा या कुछ समाज सेवी संगठनों के द्वारा इनकी व्यवस्था की जाए। उसके बाद में है माता पिता की शिक्षा का प्रयास, जो अशिक्षित माता पिता हैं उनको भी शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रौढ़ शिक्षा के व्यवस्था ये सब इसी के परिणाम है कि माता पिताओं को भी शिक्षित किया जाए जिससे कि भी शिक्षा के महत्व को समझें और बालक की शिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित ना होने। फिर शिक्षा की आवश्यकता महत्व का ज्ञान प्रदान करना कि शिक्षा की आवश्यकता क्यों है और उसका महत्व क्या है इसके बारे में अभिभावकों को प्रशिक्षित करना, उसके बारे में उन्हें समझाना कि शिक्षा क्यों आवश्यक है इसकी क्या महत्व है, जब अभिभावक इस चीज़ को समझेंगे तो वो बालक के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे बालक उपस्थित नहीं करेंगे। और फिर अंत में है योग्य और समर्पित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, यानी कि इन बच्चों को प्रशिक्षित करने के योग्य जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को और जो समर्पित हैं शिक्षा के प्रति यानी कि वो चाहते हैं कि ये बच्चे भी विकास करें तो ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति इन विद्यालयों में की जानी चाहिए जिससे कि इन बालकों की शिक्षा कहीं भी बाधित ना हो और सुचारू रूप से शिक्षा चलती रहे।
आशा करती हूँ कि झुग्गी झोपड़ी बालकों की शैक्षिक समस्याएं और उनके प्रयास जो भी किए जा रहे हैं समाधान के, वो आपको समझ में आई होगी। अपनी बात को समाप्त करने से पहले COVID-19 के इस वैश्विक महामारी के दौर में आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मुंह पर मास्क लगाकर निकलिए बाहर, घर के बाहर जब भी निकलते हैं, बाहर किसी भी घर में बाहर कहीं किसी भी चीज़ को छूते हैं और तो उसके बाद हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए, साबुन से धोते रहिए और किसी से भी बातचीत करते हैं तो उसमें 6 फुट की दूरी को बनाए रखिए। अपने आप को इन नियमों का पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।